गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं शिल्पी और वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पीज लाइव। मैं जैसे अभी करके आई हूं अपनी मॉर्निंग वॉक। अब बजे हैं 9, अब हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम। तो मैंने सोचा आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। वो है हेल्दी ओट्स चिया रेसिपी विथ लॉट्स ऑफ वेजीज। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। इस रेसिपी ने मेरी वेट लॉस जर्नी के दौरान बहुत मदद की है, इवन मेरे वेट को अब तक मेंटेन करने में। जानते ही हैं ओट्स के कितने सारे बेनिफिट होते हैं। ये फाइबर से भरपूर होता है, हार्ट ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और ऐसा नहीं कि ये टेस्टी नहीं होता, ये हेल्दी होने के साथ साथ क्विकली बन जाता है। तो चलो बनाते हैं मिलके। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें गैस को ऑन करेंगे और उसमें हम सबसे पहले ओट्स को रोस्ट करेंगे। इसमें मैंने 1.5 कप ओट्स लिया है। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ओट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, हम गैस को बंद करेंगे और अब ओट्स को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अपने ओट्स को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी से ओट्स के जो चीले बनेंगे ना, उसमें बहुत अच्छा कुरकुरापन आएगा। और उसी में हम 2 चम्मच बेसन भी डालेंगे। बेसन ओट्स के चीले बनाने में बाइंडिंग का काम करेगा। अब हम सब चीजों को, तीनों को मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें सूजी डाली है ना, ताकि वो अच्छे से फूल जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा मिक्सचर रेडी है। सूजी भी थोड़ी फूल गई है। अब इसमें अपनी सारी वेजीज को ऐड करेंगे। इसमें मैं ले रही हूँ 1 स्मॉल साइज का प्याज, ग्रेटेड गाजर स्मॉल साइज की, 1 स्मॉल साइज का टमाटर, और मैंने 1 स्मॉल साइज का और इन सबको मिक्स करेंगे। अपने मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम इसमें नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसमें हम जिंजर भी डालेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी बस इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़ा थिक है, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम एक तवा लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, तवे को गैस पर रखेंगे, 2 सेकंड्स को गर्म होने देंगे। फिर हम हल्का सा घी स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब इस पर हम अपना बैटर डाल देंगे। हल्का सा घी हम साइड में डाल देंगे। आंच को सिम करेंगे और इसको ढक के एक साइड से पकने के लिए रख देंगे।
चेक कर लेते हैं। आई थिंक हमारा चीला नीचे से सिक गया है, अब हम इसको पलट लेंगे। और दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेक लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा चीला दूसरी साइड से सेक के रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा चीला। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं अपने प्लेट में। ट्रांसफर कर लिया, अब इसमें दूसरा चीले का बैटर डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें घी लगता है। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैं ये दूसरा चीला अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो ये उसको और हेल्दी बनवाती है। अब मैं इसमें के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड करूँगी। तरह से हम पनीर को छोटी छोटी क्यूब्स में जा डाल करके इस पर लगा देंगे। और उसको थोड़ा सा तीखा पसंद है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ ऊपर से। आप लोगों को अगर कोई तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप हल्का सा चिली फ्लेक्स भी इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। हम चेक कर लेते हैं, अब हमारा ये दूसरा चीला भी बनके एकदम तैयार है। अब हम इसको गैस को बंद करेंगे और इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने अच्छे, बस अभी उठा के खा लो। हम इसको थोड़ा सा हम इसको दही सॉस चटनी किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। मुझे तो ये दही से पसंद है, चटनी से भी पसंद है। आपको जिससे भी पसंद है आप उससे इस चीले को खा सकते हैं। तो हमारा ये हेल्दी ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के मैं तो चलती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।